हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन में हम आपके लिए लाते हैं छोटी छोटी कहानियाँ, कुछ ऐसी कहानियाँ जो आपकी ज़िंदगी में थोड़ा थोड़ा वैल्यू ऐड करेंगे, जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपकी पर्सनालिटी को बहुत बेहतरीन तरह से शेप कर सकते हैं। तो चलिए सुनते आज की कहानी। आज की कहानी है अकबर बीरबल के टाइम्स की। एक बार होता ऐसा है कि अकबर बादशाह को लगता है कि चलो शिकार करने जाना चाहिए, लेकिन अकेला नहीं जाना चाहता, इसलिए वो बीरबल को बुला लेता है। बीरबल को बुलाया जाए, बीरबल आता है दौड़ते दौड़ते, तो बोलते क्या करना है? बोलते चलो शिकार खेलने जाना है। वो बोलता है चलिए शिकार खेलने जाएंगे। लेकिन अकबर बोलते हैं कि जाने से पहले कुछ खा लेते हैं, तो बाजू में एप्पल रखा होता है। अकबर बादशाह एप्पल को उठाते हैं और छीलने लगते हैं। छीलते छीलते उनकी उंगली को एक हल्का सा कट हो जाता है और वहाँ से खून निकलने लगता है और बहुत दर्द में होते, पकड़ लेते हैं, अरे यार हाथ कट गया मेरा। बीरबल देखता है महाराज कुछ नहीं ठीक हो जाएगा, तो थोड़ी सी दवाई लगाता है और उनको बोलता है कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अकबर बादशाह उसको घूर के देखता है और बोलते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है, पागल हो गए, मेरी उंगली कट गई, खून निकल गया और मुझे तुम ज्ञान दे रहे हो। तो गार्ड्स को बुलाते और बोलते इसको काल कोठरी में डाल दिया जाए। बीरबल चले जाते हैं काल कोठरी में। क्या करते हैं, बादशाह का हुकुम जो ठहरा। अकबर एप्पल को छोड़ देते और बोलते चलो शिकार को मैं अकेला ही जाता हूँ। वो शिकार के लिए निकल पड़ते हैं और बहुत डीप चले जाते हैं। जब डीप चले जाते हैं उनको एक हिरण दिखता है, वो उस हिरण के पीछे भागने लगता है, तभी उनका पैर एक ट्रैप में फंस जाता है और वो खुद बंदी बन जाता है। अब उनको समझे ही नहीं कि क्या हो रहा है। उतने में नीचे कुछ ट्राइबल्स आते और उनको उतारते हैं और ले जाते हैं साथ में। वो पूछते हैं मुझे कहाँ ले जा रहे हो? बोले आज हम पूजा कर रहे हैं, हम हमारे देवता को आज इंसान की बलि देने वाले हैं और तुम हमारा शिकार हो, हम तुमको ले जा रहे हैं। अकबर बादशाह डर जाते हैं पर कर तो कुछ नहीं सकते। जब वो ट्राइबल्स उनको ले जाते हैं, एक बड़े से घड़े के नीचे आग लगी होती है और उनको ऊपर बांध दिया जाता है। बोलते आज तुमको पका के खाया जाएगा। लेकिन जैसी आग सुलगाई जाती है, उतने में एक आवाज़ आती है, रुको। सब लोग पलट के देखते हैं तो जो बहुत बूढ़ा ट्राइबल वहाँ पर खड़ा होता है और बोलता है एक प्रॉब्लम है, हम इसको नहीं बलि दे सकते। सब लोग पूछते क्यों नहीं बलि दे सकते? बोलते इसका हाथ देखो कटा हुआ है, खून निकल रहा है इसके हाथ से, और बलि देने के लिए हमको ऐसा कटा हुआ आदमी नहीं चाहिए, इसको छोड़ दो, ये हमारे किसी काम का नहीं, जाओ दूसरा आदमी पकड़ के लाओ। सब लोग वहाँ से उसको छोड़ देते हैं और अकबर बादशाह खुशी खुशी भाग कर पहले अपने पैलेस में आ जाते हैं। जैसे ही पैलेस में आते सबसे पहले काल कोठरी की तरफ भागते हैं। बोलते बीरबल कहाँ है, बीरबल को बुलाओ। बीरबल को बाहर निकाला जाता है और अकबर बादशाह उसको गले से लगा लेते हैं खुशी खुशी। बोलते बीरबल तुमने सही कहा था, जिंदगी में जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो बीरबल पूछता है क्या हुआ? अकबर बादशाह उसको पूरा किस्सा बताते हैं और बोलते हैं कि अगर तुमने वो चीज़ मुझे नहीं की होती तो शायद मुझे इस चीज़ का एहसास नहीं होता, मेरा हाथ कटा हुआ था इसलिए आज उन्होंने मेरी बलि नहीं चढ़ाई, वरना आज मैं मरा हुआ होता। बीरबल हंसता है पर अकबर उसको पूछता है चलो मेरे साथ तो अच्छा हुआ, पर तुम तो इतने भले आदमी हो, तुमने एक बढ़िया मुझे एडवाइस भी दी थी लेकिन तुमको जेल जाना पड़ा, तुम्हारे साथ तो कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। बीरबल फिर हंसता है और बोलता है महाराज मेरे साथ भी अच्छा नहीं हुआ, देखिए आपने मुझे बुलाया था शिकार के लिए जाने के लिए, अगर मैं काल कोठरी में नहीं होता तो मैं आपके साथ शिकार के लिए जाता और वहाँ पर मेरी उंगली कटी हुई नहीं थी, आप तो बच जाते लेकिन बलि मेरी चढ़ जाती, तो मैं आपके साथ नहीं हुआ तो अच्छा ही हुआ ना, जिंदगी में जो होता है अच्छे के लिए। तो दोस्तों इस कहानी से हमको ये सीखना चाहिए कि ऐसे हमारे ज़िंदगी में बहुत टाइम्स आएंगे जहाँ हमको लग रहा है कि हमारे साथ ही क्यों हो रहा है, ओके ये तो मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है, पर याद रखिए हर प्रॉब्लम के पीछे एक सिल्वर लाइनिंग होती है, क्योंकि भगवान आपके लिए जो करता है अच्छे के लिए करता है। इस बात को ध्यान में रखिए और अच्छाई ढूंढिए हर उस चीज़ में जो आपके साथ हो रही है, तो आपकी ज़िंदगी में बहुत बदलाव आएगा। उम्मीद करते हैं इस कहानी ने आपकी ज़िंदगी में थोड़ा सा वैल्यू ऐड किया होगा जो लॉन्ग टर्म में आपको बहुत हेल्प करेगा। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल वैल्यू एडिशन। थैंक यू।